नीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। नीट पेपर लीक पर इस वक्त की बड़ी खबर, पटना एम्स में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एम्स के 4 डॉक्टर गिरफ्तार। नीट पेपर लीक पर इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। पटना एम्स में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एम्स के 4 डॉक्टर गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों करण जैन, कुमार शानू, राहुल आनंद और चंदन सिंह को गिरफ्तार किया है। इन चारों डॉक्टर्स पर आरोप है कि ये चारों पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी ये चारों एम्स में एमबीबीएस स्टूडेंट है। पेपर लीक के आरोपी पंकज ने चारों डॉक्टरों को पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे। एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट आरोपी चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद के साथ सीबीआई ने सेकंड ईयर स्टूडेंट करण जैन को भी हिरासत में लिया है। इनमें चंदन सिंह सिवान का, कुमार शानू पटना का, राहुल आनंद धनबाद और करण जैन अररिया का रहने वाला है। सीबीआई की टीम कल दोपहर में पटना एम्स पहली बार पहुंची थी। पहली बार में सीबीआई अपने साथ चंदन सिंह को ले गई। दूसरी बार शाम 6 बजे कुमार शानू और राहुल आनंद को अपने साथ ले गई। गिरफ्तार सभी आरोपियों को सीबीआई ने पटना की अदालत में पेश कर रिमांड मांगी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स करण जैन, कुमार शानू, राहुल आनंद व चंदन सिंह को गिरफ्तार किया है। चारों डॉक्टरों पर आरोप है कि ये चारों पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी ये चारों एम्स में एमबीबीएस स्टूडेंट है। पेपर लीक के आरोपी पंकज ने चारों डॉक्टरों को पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे। एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट आरोपी चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद के साथ सीबीआई ने सेकंड ईयर स्टूडेंट करण जैन को भी हिरासत में लिया है। इनमें चंदन सिंह सिवान का, कुमार शानू पटना का, राहुल आनंद धनबाद और करण जैन अररिया का रहने वाला है। सीबीआई की टीम कल दोपहर में पटना एम्स पहली बार पहुंची थी। पहली बार में सीबीआई अपने साथ चंदन सिंह को ले गई। दूसरी बार शाम 6 बजे कुमार शानू और राहुल आनंद को अपने साथ ले गई। गिरफ्तार सभी आरोपियों को सीबीआई ने पटना की अदालत में पेश कर रिमांड मांगी है।